Hey everyone, welcome back to my channel उपाध्याय पी यू 2929 पर फिर आ चुकी हूँ मैं आप लोगों के बीच एक नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मैं अपने हेयर्स को कर रही हूँ थोड़ा सा क्रिम, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही स्मूथ और स्ट्रेट बाल हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बाउंसी लुक चाहिए था, तो मैं क्रिम करूँगी। और आज है पंचमी का त्यौहार, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी पंचमी। और माघ का महीना चल रहा है, तो हमारे यहाँ होता है कुमाऊँ में, उत्तराखंड में, कि लड़कियों को खिचड़ी खिलाया जाता है। तो आज हम लोग बड़े भैया भाभी के घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है खिचड़ी पर। तो हम लोग निकल चुके हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर है ऑफिस में, क्योंकि आज 26 जनवरी में है, तो वो झंडा रोहन वगैरह करवाने गए हुए हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उनका। अभी हम लोग मेरे हस्बैंड के ऑफिस के आगे पे रुके हुए हैं, ताकि वो आएंगे तो हम चलेंगे। शिवी भी आज अपने पापा के ऑफिस आई है, तो मेरे को घर में थोड़ा सा बाबू के लिए दूध वगैरह रखना होता है। तो और फाइनली आ चुके हैं मेरे हस्बैंड एंड डॉटर गाड़ी में, और अब हम निकल रहे हैं भाभी के घर। तो आप देख सकते हैं मेरी डॉटर को काफ़ी लड्डूज वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं उसके साथ थोड़ी मस्तियाँ कर रही हूँ कि बाबू मुझे दे दो, तो उसने बिल्कुल नहीं दिया और पूरा मुँह पे ले लिया। हम कहाँ जा रहे हैं मामी के घर? वाटर पीना है क्या? हॉट है वो बच्चा। हम लोग हर बार आते लेकिन हम ये रास्ता भूल जाते। हाय मामी, के यहाँ पहुँच गए आप? खिचड़ी खाओगी? यहीं पे। क्या चाहिए? डॉल है? नहीं, उधर नहीं जाना है ना बाबू, आप इधर, वो बड़ा वाला डॉल है ना, आप नहीं खेलोगे उससे? डॉलू वाओ, शिवी बोलो वाओ। What happened? शिवी नहीं करना बाबू गंदी बात। केक काट दो। केक काट रहे हो आप? शिवी खिचड़ी खाओगी? चलो, आपने ही बोला। तो आइए देखते हैं भाभी ने क्या क्या बनाया है। राजमा की दाल, और जो सबसे स्पेशल है खिचड़ी उड़द की, और येलो राइस एंड सूखे आलू पूड़ी, हलवा मिक्स वेज और बड़े, और साथ में खीर भी बनाया हुआ था। तो इतना सारा कुछ बनाने के बाद
तो मज़ा ही आ गया था खा के। और आइए फिर करते हैं लंच। चलिए चलिए वन टू फोटो खींच रहे करके उसको सब पता है। हॉट है क्या? दिए दे ना फोटो खींचे ना। अब हम जा रहे हैं भाभी के घर से पंचमी मना के, है ना? थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। तो हमारे यहाँ जो होता है माँ की खिचड़ी बहुत ही स्पेशल होती है, और फाइनली हम लोग खा के निकल चुके हैं। और आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।